हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, और उसका चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला पार्ट हमारा चल रहा था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज हम इसे पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। देख सकते हो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का होता है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से सीखेंगे इस डेरिवेशन को और यह भी बात करेंगे कि यह द्विध्रुव क्या होता है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में भी एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। तो यार भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जिनको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर के पहले के वीडियो देखना चाहते हो, गुलाम का नियम और भी जितने टॉपिक अभी तक हो चुके हैं, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, उस पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो पे क्या देखेंगे, ये आपका द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। तो सब लोग क्या करो, कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले बात करें द्विध्रुव क्या होता है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये एकदम बेसिक सा बात है कि द्विध्रुव क्या होता है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसको समझते हैं। फिर इसके बाद आपको बताएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर जो बल आघूर्ण कार्य करेगा वो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं द्विध्रुव क्या होता है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले भैया हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। फिर बात करेंगे कि जब इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा विद्युत द्विध्रुव को, तो इस पे जो बल आघूर्ण का सूत्र आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें विद्युत द्विध्रुव क्या होता है आपका, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या होता है पढ़ो, कह रहा है विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा निकाय है जिसमें समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। पढ़ लो, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं, ठीक है। देखो इस टाइप से आपका विद्युत द्विध्रुव बनता है। ये आपका मान लो एक विद्युत द्विध्रुव हम बना रहे हैं आपका, ठीक है, जिसे इंग्लिश पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपसे कहा गया विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पे समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश, समान एवं विपरीत प्रकार का, समान का मतलब देखो आवेश दो प्रकार का होता है, पहला पॉजिटिव आवेश, दूसरा निगेटिव आवेश, मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। समान आवेश का मतलब जिसपे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो वो समान आवेश। विपरीत प्रकार कब होंगे, जब माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा, तो वो विपरीत प्रकार के, ठीक है। तो समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते, 2L दूरी पर होते हैं। तो देखो इस पे जो विद्युत द्विध्रुव होता है, इस पे क्या होता है, इस पे यहां पे माइनस क्यू आवेश होता है, यहां पे प्लस क्यू आवेश होता है और इसके बीच की दूरी जो होती है 2L होती है, ठीक है। इसके बीच की दूरी जो होती है 2L होती है। और इस विद्युत द्विध्रुव को आप नाम भी दे सकते हो, मान लो इसको, इस पॉइंट को ए नाम दे दे, इस पॉइंट को बी। तो ये आपका एक ए बी जो बना हुआ है, ए से बी, ये आपका क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। तो ये जो आपका निकाय बना हुआ है इसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा थी कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान समान आवेश का मतलब या प्लस प्लस आवेश हो या माइनस माइनस, और विपरीत आवेश का मतलब या प्लस हो और एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, जैसे आप एक माइनस एक प्लस, तो ये विपरीत प्रकार के आवेश है, ठीक है। तो कहा गया विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जिस पर समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे इस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश हैं और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी, 2L है, ठीक है, 2L है। तो ये एक प्रकार का कैसा निकाय है, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। आप बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पढ़ो परिभाषा। विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण,
ठीक है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेश, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, यही वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण का मतलब आपको आवेश का चिन्ह नहीं लेना है, ठीक है, केवल आवेश, जैसे क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू है तो आपको माइनस और प्लस से मतलब नहीं, आपसे कहा जा रहा है दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब आपको आवेश का चिन्ह नहीं लेना है, ठीक है, आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी, जो अल्प दूरी 2L होती है, इसके गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? P इक्वल टू दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, कहा गया दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ठीक है, माइनस और प्लस क्यू है तो आपको चिन्ह नहीं लेना, सिंपल ले लेना क्यू, ठीक है, क्यों ले लिया आवेश, और कह रहा है उनके बीच की अल्प दूरी, उनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2L, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात Q इंटू 2L, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्योंकि कहा गया था वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण का मतलब आपको चिन्ह नहीं लेना, तो आवेश हो गया Q, तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, जहां P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q क्या है? आवेश है, 2L क्या है? इनके बीच की दूरी। मात्रक भी जान लो, देखो यहां पर से P इक्वल टू Q इंटू 2L है, Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम, और 2L, L क्या है? लंबाई है या दूरी है, तो लंबाई या दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, आप इसे समझ चुके, अब आसानी से आपको डेरिवेशन समझा देंगे इस समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला पाला कोण, ठीक है, एक बार परिभाषा फिर से पढ़ लेते हैं फिर उस पर चलते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना हुआ है, देख सकते हो, जैसे AB हमने एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माना, A पे माइनस क्यू आवेश है, B पे प्लस क्यू आवेश है, बीच की दूरी 2L है, ठीक है, ये 2L अल्प दूरी होती है, ठीक है, कहा गया था ना अल्प दूरी, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, क्योंकि कहा गया है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो आवेश हो गया Q और बीच की दूरी 2L और इसका मात्रक कूलाम मीटर, ठीक है। तो ये बात है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप चलते हैं डेरिवेशन की ओर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक कैसे होता है उसे समझते हैं। तो पहले आप लोग इस परिभाषा को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, आप देखते हैं आगे, ठीक है। तो आप भैया हम लोग चलते हैं डेरिवेशन की ओर, कैसे इसका डेरिवेशन होगा, ठीक है। तो देखो हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र इस टाइप से बना देते हैं, ठीक है, यह हमारे पास क्या बन गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यह हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र ए वेक्टर है, तो हमने ले लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र, इस पे हमें क्या करना है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालना है, ठीक है। तो मान लो इस एक समान वैद्युत क्षेत्र पे आपका, ठीक है, इसको और देखो ऊपर बना लेते हैं, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपका, मान लो एक आपका द्विध्रुव, ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इस टाइप से आपका रखा हुआ है, ठीक है, तिरछा, इस टाइप से आपका ये तिरछा रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका तिरछा इस टाइप से इस वैद्युत क्षेत्र पे रखा हुआ है, इसको देखो नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं बी पॉइंट, ए बी हो गया एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और बीच की दूरी है 2L, ठीक है, बीच की दूरी क्या है 2L, यही था वैद्युत द्विध्रुव, हमने आपसे बताया था, ठीक है, यही वैद्युत द्विध्रुव है, ये देख सकते हो एक वैद्युत द्विध्रुव, देखो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र बना लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र, उस पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को इस टाइप से रखा तिरछा करके, इसका ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट, ए पे माइनस क्यू आवेश, बी पे प्लस क्यू आवेश, बीच की दूरी 2L, ठीक है। अब मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका यहाँ पे थीटा कोण पे है, ठीक है, कितने कोण पे झुका हुआ है, थीटा कोण पे झुका हुआ है, तो इस पॉइंट पे यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंब इस टाइप से डाल लेते हैं, ये आपका
ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये आपका देख सकते हो, ये सिंपल सा चित्र है। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र बना, एक द्विध्रुव हमने तिरछा रख दिया और कितने कोण पे रखा, थीटा कोण पे, मतलब इसका जो झुकाव है वो कितना है, थीटा है, ठीक है, थीटा कोण पे इसे रख दिया और फिर यहाँ पर से लंब डाल लिया 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसी पे हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण। तो देखो एक चीज़ जान लो, इधर आपका माइनस क्यू आवेश है, इधर है प्लस क्यू आवेश, तो आपका एक तो इस दिशा में भी बल लगेगा और एक इस दिशा पर भी बल लगेगा, मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव तिरछा आपने रखा है तो इसमें दोनों साइड आवेश जो है इसके कारण आपका दोनों दिशाओं में बल लगेगा। इस दिशा पे मान लो एफ ए बल लगेगा और इस दिशा पे आपका एफ बी बल लगेगा, ठीक है, ये आपका एफ बी बल लगेगा। ध्यान से देख लो, इधर आपका एफ ए बल लग रहा है, इधर लग रहा है एफ बी। अभी पूरा समझाएंगे, ठीक है। ये जो आपको बल आघूर्ण निकालना है ना, ये जो बल आघूर्ण होता है ये बल के युग्मों से मिलके बनता है, ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं, मतलब बल के जोड़ा। देखो इधर एक बल है, एक बल इधर, मतलब बल का युग्म है, इसलिए यहाँ पे बल आघूर्ण कार्यरत भी होता है। तो अभी पूरा समझ में आएगा, टेंशन ना लो। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे आपको बनाया चित्र वो यहाँ पे लिख देते, लिखते माना, ठीक है, जो चीज़ आपने चित्र में बनाया वही लिखना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जिसके ए सिरे पर, जिसके ए सिरे पर क्या, कौन सा आवेश है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू, ठीक है, जो चीज़ चित्र पर वही लिखते जाओ, ए सिरे पर माइनस क्यू तथा बी सिरे पर प्लस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है और यह वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जो चीज़ है सिंपल वही लिखते जाओ, और यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। इस दशा में, ठीक है, जो चीज़ आपको बताया, इस दशा में आपका द्विध्रुव के दोनों ओर क्या होगा, बल लगेगा, ठीक है, इस दशा में द्विध्रुव की दोनों दिशाओं पे बल लगेगा, ठीक है, द्विध्रुव की दोनों ओर लिख सकते हो, द्विध्रुव के दोनों ओर क्या होगा, बल लगेगा, दोनों ओर क्या लगेगा भैया बल लगेगा। ये सिंपल सी बात हमने लिख दी, यही चीज़ आपको बताया था, एक बार पढ़ लो फिर समझते, ठीक है। हमने आपसे कहा था मान लो एक वैद्युत क्षेत्र ई है, तो वही चीज़ लिखा, इस वैद्युत क्षेत्र ई पे आपका एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू, बीच की दूरी 12। हमने लिख दिया माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश और यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा हुआ है और इस दशा में वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ओर बल भी लगेगा, इस दिशा में भी बल लगेगा। जैसे आप यहाँ पे, जैसे हमने एक चीज़ छोड़ दिया कि ए सिरे पर माइनस क्यू तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, लिख लेना जब प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा बीच की दूरी 2L है, ये भी बीच में ऐड कर लेना कि बीच की दूरी 2L है, इसको शायद नहीं लिखा यहाँ पे, देखो ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा बीच की दूरी 2L है, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख देना कि बीच की दूरी कितनी है, 2L है। फिर इसके बाद लिखना और यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा हुआ है, इस दशा में वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ओर बल लगेगा, ठीक है। तब यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ओर जब बल लगेगा तो यहाँ पे आपका जो ए पर बल लग रहा है उसको लिखते अलग और बी पर जो बल लग रहा है उसको लिखते अलग, ठीक है। फिर आगे आपका जो बल युग्म का आघूर्ण बनेगा उसको निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल अब यहाँ पे लिखते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु ए पर लगने वाला बल, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर से कि माइनस क्यू आवेश के कारण ए पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, लगने वाला कौन सा बल भैया, वैद्युत बल, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु ए पर लगने वाला वैद्युत बल जो होगा वो क्या होगा, एफ ए होगा,
एफ ए होगा, ठीक है, और एफ ए का मान होगा माइनस में। ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, इस दिशा में। देखो क्षेत्र तो इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र आपका, लेकिन ये बल आपका इधर की ओर कार्यरत है, देखो नीचे की ओर इस टाइप से, तो ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इस कारण से इसको आपको माइनस में लिखना है। और आवेश क्या है, क्यू है, तो क्यू लिख दो, और आपका वैद्युत क्षेत्र ई है तो ई लिख दो, और लिख दो यह बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कोष्ठक पे लिख दो, ठीक है, कोष्ठक पे आगे लिख सकते हो कि क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा पे। माइनस चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल कार्यरत है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो एफ ए इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई क्यों हुआ, क्योंकि आपका ये वाला बल जो है एफ ए, ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर है, बल इधर नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और ये जो फॉर्मूला है एफ ए इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, ये जानते हो कहाँ से है, आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, क्यों या क्यू नॉट, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा है सबने। तो सिंपल यहाँ से अगर एफ का मान निकाला जाए, एफ का मान, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई, यही आएगा एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, तो वही फॉर्मूला है एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। माइनस का चिन्ह क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर लगा, और एफ बल था यहाँ पे, एफ ए बल है तो एफ ए लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी टाइप से आगे लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, अभी माइनस क्यू के कारण निकला, प्लस क्यू के कारण निकालते हैं, तो लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बी पर लगने वाला वैद्युत बल, बी पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु बी पर वैद्युत बल लग रहा है उसको देखते हैं, ठीक है, वैद्युत बल वो क्या हो जाएगा, एफ बी, क्योंकि वहाँ पे एफ बी बल कार्यरत है, एफ बी वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा प्लस का, प्लस का इसलिए होगा, देखो वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा पे आपका पूरा है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र किस दिशा पे, इस दिशा पे, और बल भी इसी दिशा पे लग रहा है, इसलिए आपका जब बल और वैद्युत क्षेत्र की दिशा सेम होगी तो प्लस का होगा। और यहाँ पे क्यू है आवेश तो क्यू लिख दो, और वैद्युत क्षेत्र ई है तो ई लिख दो, और आगे लिख दो क्षेत्र की दिशा में, ये बल कैसा लग रहा है, क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर लगने वाला वैद्युत बल एफ ए इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, माइनस का चिन्ह इसलिए आया क्योंकि बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा था, इधर की ओर लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र उधर है। फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर लगने वाला वैद्युत बल एफ बी इक्वल टू क्यू इंटू ई, और इस पर क्या हो रहा है, बल जो है आपका क्षेत्र की दिशा पर कार्यरत है, इससे आगे क्षेत्र की दिशा पर लिख दिया गया। आप देखो दो आपके बल क्या है, दो है, इधर भी आपका कार्यरत है, उधर भी कार्यरत, तो बल दो होने की वजह से यहाँ पे आपका बल युग्म का आघूर्ण कार्यरत हो जाएगा, ठीक है, मतलब बल युग्म का आघूर्ण, ये जो बल आघूर्ण निकालना, ये आपका कार्यरत होगा, ठीक है। यहां पे एक चीज और करते हैं, फिर आपका बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं। सबसे पहले इस देखो, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इसको नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो सी। इस पे हम क्या करते हैं, आपका इसकी बीच की दूरी पहले निकाल लेते हैं, बीच की लंबवत दूरी, क्योंकि देखो आपको आगे यहाँ पे बताएं, यहाँ पे हम सबसे पहले देखो, पहले अच्छा लिख देते हैं, फिर आपको बीच की दूरी निकाल के बताएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखते हैं इसके आगे, जब आपका दोनों बल निकल आएंगे तो आपको पता है एफ ए और एफ बी जब दो बल होंगे तो ये बल का युग्म बनाएंगे, तो यहाँ से लिखते हैं कि एफ ए तथा एफ बी, ठीक है, और ये जो ए है ये आपका बेस पे होगा इस टाइप से, एफ ए तथा एफ बी दोनों बल युग्म बनाते हैं, दोनों क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, ठीक है, दोनों क्या बनाते हैं भैया, बल युग्म बनाते हैं, दोनों बल युग्म बनाते हैं, ठीक है। एफ ए तथा एफ बी जो है दोनों क्या बनाते हैं, बल का युग्म बनाते हैं, अर्थात बल का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, युग्म का वाला जोड़ा, बल युग्म बनाते हैं। फिर लिखेंगे अतः बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण आपको निकालना है तो बल युग्म का आघूर्ण लिखेंगे, लिखेंगे अतः बल युग्म का आघूर्ण, और बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से, किससे प्रदर्शित करते हैं टाउ, देखो टाउ इस टाइप से बनता है, ये आपका ये क्या बना हुआ है आपका टाउ, ठीक है, टाउ बराबर सूत्र होता है बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, बल गुणे में बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, दूरी कैसी होनी चाहिए, लंबवत दूरी होनी चाहिए,
ठीक है। यहाँ पे अगर इस वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो ये वाली दूरी आपकी लंबवत नहीं होगी, ये वाली दूरी आपकी लंबवत दूरी होगी, ठीक है, ये आपकी लंबवत दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस बीच की लंबवत दूरी को निकालना होगा, ठीक है। आपने लिखा एफ ए तथा एफ बी दोनों बलयुग्म बनाते हैं, अतः बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू, इसे क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, टाउ, टाउ इक्वल टू बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। यहाँ से टाउ इक्वल टू आ जाएगा बल, बल आपको पता है एक बल है माइनस क्यू इंटू ई और दूसरा है क्यू इंटू ई। माइनस क्यों लगा है, क्षेत्र की दिशा बताने के लिए बताया कि माइनस लगा है क्षेत्र की विपरीत दिशा, प्लस लगा है क्षेत्र की दिशा में। तो आपको चिन्ह नहीं लेना, सिंपल आपको क्यू इंटू ई ले लेना है, ठीक है। क्या ले लेना है, क्यू इंटू ई, ठीक है, क्यू इंटू ई ले लेना, और बीच की लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी तब जाके आपका आगे निकलेगा, ठीक है। बीच की लंबवत दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज एबीसी। देखो ये अगर आप देखोगे तो ए बी और सी एक त्रिभुज का निर्माण होगा, यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज बना रहा है, तो लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में लिखते हैं। आप देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बीसी, क्योंकि यही बीच की लंबवत दूरी है इसके, इसके बीच की लंबवत दूरी, तो हमें बीसी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे करते क्या है, साइन थीटा निकाल लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में क्या करते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर, सूत्र सबको पता होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। क्या सूत्र होता है साइन थीटा का, लंब बटे में कर्ण, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, सबको पता है ना साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब बात करें थीटा, थीटा के सामने की भुजा को बोलते हैं लंब, ध्यान से समझना, थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं, और जो उसके बाद जो बचता है उसे आधार बोलते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, थीटा के सामने वाली भुजा, देखो इस थीटा के यहाँ पे जो सामने होता है उसे लंब बोला जाता है, और जो ये सबसे बड़ी आपको दिख रही है इसमें, देखो इसमें, इसमें और इसमें सबसे बड़ी आपको यही दिखेगी, तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है, जो बचता है उसे आधार, ठीक है। थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये वाली आधार, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बताओ कौन सा हो जाएगा, थीटा के सामने की भुजा लंब, मतलब थीटा के सामने कौन है, बीसी, तो बीसी आपका हो जाएगा लंब, और अपॉन में कर्ण, कर्ण क्या है आपका, कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये वाला सबसे बड़ी भुजा ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बराबर बी सी बटा ए बी, ठीक है। यहाँ पर से आप लिख सकते हो साइन थीटा बराबर बी सी की जगह बी सी हो जाएगा ए बी, ए बी की वैल्यू आपको पता है ए से बी तक की दूरी है 2L, तो यहाँ पे 2L लिख दो, तो बी सी बटे में 2L, ठीक है, देख सकते हो सिंपल साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो गया बी सी, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब, तो बी सी बटे में कर्ण ए बी, तो बी सी बटे में कर्ण ए बी की वैल्यू है 2L, देख सकते हो ए बी की वैल्यू है 2L, तो साइन थीटा बराबर बी सी बटा 2L। अगर यहाँ पर से हम बी सी की वैल्यू निकालें तो बी सी बराबर आ जाएगा 2L का साइन थीटा से गुणा होगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, ठीक है, ये आपका बी सी आ जाएगा 2L साइन थीटा, और यही बीच की लंबवत दूरी है, ये क्या है आपका, बीच की लंबवत दूरी है, बीच की लंबवत दूरी है, ठीक है, बीच की क्या है, लंबवत दूरी। तो देखो ये आपका BC इक्वल टू 2L साइन थीटा, ये बीच की लंबवत दूरी आपकी हो जाएगी, ठीक है, BC इक्वल टू 2L साइन थीटा, बीच की लंबवत दूरी आ गई। तो सिंपल यहाँ पे बीच की लंबवत दूरी जो BC है इसका मान आपको रख देना 2L साइन थीटा, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2L साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या रख देंगे, 2L साइन थीटा, बस ये सिंपल सा करना था, ठीक है। तो बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी यहाँ से निकली त्रिभुज ABC में, साइन थीटा का मान निकाला, तो यहाँ पर से हमें BC की वैल्यू निकली, BC इक्वल टू 2L साइन थीटा, और ये BC ही लंबवत दूरी, कैसी दूरी है, लंबवत दूरी है, तो यहाँ पर से BC इक्वल टू 2L साइन थीटा जो आया ये लंबवत दूरी है, तो बीच की लंबवत दूरी की जगह रख दिया गया 2L साइन थीटा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर से लिख सकते हो आप टाउ इक्वल टू E को इस टाइप से अलग कर लो, और यहाँ पे बचेगा Q इंटू 2L, इसे इस टाइप से लिख दो कोष्टक पे, आगे साइन थीटा, देख सकते हो हमने क्या किया है, सिंपल देखो टाउ ऐसा ही है, क्यू आपका क्यू और 2L को हमने एक साथ लिख दिया, क्यू इंटू 2L, और ई को यहाँ पे लिख लिया, साइन थीटा को वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है सूत्र अभी बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, क्यू इंटू 2L इक्वल टू होता है आपका पी, क्यू इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है, पी, ये सूत्र अभी सबको बताया था, क्यू इंटू 2L बराबर होता है पी, ये कहाँ से सूत्र आया था, जब अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब कि क्यू और उसके बीच की अल्प दूरी, अर्थात क्यू इंटू 2L को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी कहते हैं। तो जहाँ पे क्यू इंटू 2L लिखा उसकी जगह आप पी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर से आ जाएगा टाउ इक्वल टू,
ई इंटू पी साइन थीटा, ठीक है। देखो टाउ इक्वल टू ई और क्यू इंटू ट्वेल्व की जगह पी साइन थीटा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा, यही आपका सूत्र आएगा बलयुग्म के आघूर्ण का। और इसे इस टाइप से भी लिखा जा सकता है टाउ इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे लिख देते हैं टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर, ठीक है। अगर नीचे ना दिख रहा हो ये जो लिखा है तो देखो सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जो पहले आया टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये आया सबसे पहले, फिर जब साइन थीटा अगर आप हटाना चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो टाउ इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर डायरेक्ट, ठीक है। साइन थीटा आपका हट जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लग गया, ठीक है। टाउ इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये आपका आएगा बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र, बलयुग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। और इसकी अब मात्रक भी जान लो, बल गुणे बीच की लंबवत दूरी अर्थात न्यूटन मीटर इसका मात्रक होगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बीच की लंबवत दूरी का मात्रक होता है क्या? मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका टाउ का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। मात्रक जरूर याद रखा करो, न्यूटन मीटर। और जो द्विध्रुव आघूर्ण का था मात्रक क्या था? कूलाम मीटर था, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर था और बलयुग्म के आघूर्ण का न्यूटन मीटर है, ठीक है। अब एक बार इसको पूरा फिर से आपको समझा दें जिससे एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सिंपल इतना तो आपको समझा दिया था कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बीच की दूरी 12 और यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर स्थित है और इस दशा में वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ओर बल लगेगा। माइनस क्यू आवेश के कारण लगा एफ ए इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, जो कि क्षेत्र की विपरीत दिशा पे था, और प्लस क्यू आवेश के कारण लगा आपका क्षेत्र की दिशा में एफ बी इक्वल टू क्यू इंटू ई। फिर हमने बीच की लंबवत दूरी क्यों निकाली? क्योंकि एफ ए तथा एफ बी पहले तो बलयुग्म बना रहे थे, तभी तो बल आघूर्ण निकलेगा। तो हमने लिखा FA तथा FB दोनों बलयुग्म बना रहे हैं, अतः बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। हमें बीच की लंबवत दूरी चाहिए, इसलिए हमने यहां पे त्रिभुज ABC इस पॉइंट को C मान लेना। ABC में हमने क्या निकाल लिया? साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटा कर्ण। लंब हो गया आपका यहां पर थीटा के सामने की भुजा लंब, तो BC हो गया लंब। कर्ण हो गया AB, तो BC बटा AB, और BC बटे में कर्ण, कर्ण क्या हो गया? कर्ण की माप आपको पता है 12, तो BC बटे 12। यहां से BC की वैल्यू निकाली गई BC इक्वल टू 12 साइन थीटा, जहां BC क्या है? बीच की लंबवत दूरी है, ठीक है। BC क्या है? बीच की लंबवत दूरी। अब यहां पे बीच की लंबवत दूरी की जगह मान रख दिया गया। देखो बल क्या है? बल आपको दिया गया यहां पे क्यू इंटू ई माइनस क्यू इंटू ई, माइनस का चिन्ह क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए केवल लगाए, ठीक है। यहां पे आपको केवल क्यू इंटू ई लेना है, बीच की लंबवत दूरी 12 साइन थीटा हो जाएगी, ये आपकी निकल आई है। BC क्या है? बीच की लंबवत दूरी। आप यहाँ पर से E को अलग कर लो, कोश पे लिख लो Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 इक्वल टू होता है P, अभी आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो P क्या है यहाँ पे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू 12 की जगह रखा P, तो tau इक्वल टू E इंटू P साइन थीटा या tau इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, ठीक है। ये भी आपका सूत्र है। और अगर साइन थीटा हटा के लिखना चाहो तो tau इक्वल टू P वेक्टर, इसे पढ़ेंगे क्रॉस P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यही आपके एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र है। tau इक्वल टू पी साइन थीटा या tau इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। मात्रक याद रखना, देखो मात्रक कैसे निकलता है? सूत्र से। बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आशा करते हैं ये डेरिवेशन भी सबको समझ में आया, द्विध्रुव भी समझ में आया, द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। तो समझ में आया यार तो तुरंत वीडियो को लाइक भी कर लो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और यार अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करो जिससे उनकी भी तैयारी मस्त हो सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री की सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी और फिजिक्स की भी है, ठीक है। तो मस्त तैयारी करो अपनी क्लास 12 की, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।